एप्लीकेशन लिख रहे हैं और हमारी पूरी मांग है कि फौरन उन पर कार्रवाई की जाए और इस तरह के जितने भी लोग हैं जो समाज के अंदर जहर घोलने का काम कर रहे हैं, मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुल्क में अनारगी फैला रहे हैं, मुल्क में दहशत फैला रहे हैं, उन लोगों पर फौरन कार्रवाई किया जाए, उनको खामोश कराया जाए। और अगर नहीं किया गया तो फिर हमसे लोग सवाल कर रहे हैं, हमसे लोग पूछ रहे हैं, फिर हमने भी हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनी हैं। अगर एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन झेलना पड़ेगा। क्या करेंगे वो बात की बात बताएंगे क्या करेंगे। अभी तो हम सरकार से और कोर्ट से हम लिख रहे हैं उनको लेटर और उनसे मांग करेंगे कि फौरी तौर पर उससे प्रतिबंध। बाबरी मस्जिद और उसका मामला जब वो एक विवादित मामला है और वो कोर्ट के अंदर चल रहा है और जब मसला कोर्ट के अंदर चलता है तो किसी को इख्तियार नहीं कि उसमें कुछ वो करे। किस कानून के तहत 25 तारीख को वहाँ पर धर्म सभा की जा रही है, ये सवाल है मेरा। हुकूमत से भी है और कोर्ट से भी है, जुडिशरी से भी है। ये कहीं ना कहीं कानून की तौहीन है, कानून का उल्लंघन किया जा रहा है। जब वो मामला कोर्ट में है तो किसी को इख्तियार नहीं कि उसको कुछ करे। क्या हमारी तरफ से या किसी की तरफ से कुछ हुआ? ये हिंदुस्तान की अमन पसंद आवाम का सवाल है। हिंदुस्तान की एक बड़ी तादाद है जो मुल्क में अंदर अमन अमान चाहती है और एक अच्छा माहौल चाहती है, उनका सवाल है कि ये लोग किस कानून के तहत वहाँ पर कर रहे हैं। और जो लोग ये कर रहे हैं उन्हीं की आइडियोलॉजी की, उन्हीं की सेम मेंटालिटी की हुकूमत है, वो हुकूमत से सवाल करें ना भाई। अयोध्या के अंदर कोर्ट तो है नहीं, ना अयोध्या के अंदर पार्लियामेंट है, आप जाके पार्लियामेंट का घेराव करें। जब 4 साल हो गए इस हुकूमत को, 4 साल तक इस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई वो नहीं हुआ। जैसे ही इलेक्शन करीब आता है इनको राम मंदिर का मुद्दा याद आता है। सामने 2019 का लोकसभा का चुनाव है, ये इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, इनके लोग कर रहे हैं घूम घूम के, और ये लोग इस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे। अभी तक किसी अथॉरिटी ने कोई इस पर सवाल या कोई जवाब नहीं दिया है। हाँ, कहीं ना कहीं कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं ना ये। आप समझ रहे हैं किस लिए वो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वहां पर? भाई आप ये देखिए कि आप मीडिया के लोग ये बता रहे हैं, रिपोर्ट वहां की बता रहे हैं कि वहां के लोग, पूरे इलाके के लोग जो इंसाफ पसंद लोग, चाहे किसी धर्म के हो, किसी तबके के हो, वो कहीं ना कहीं दहशत में है, वो कहीं ना कहीं डर के जा रहे हैं। लोग अपने घरों में राशन इकट्ठा कर रहे हैं कि कहीं माहौल खराब ना हो जाए। और उनका MLA खुलेआम स्टेटमेंट दे रहा है ये कि हम 92 जैसा माहौल दोबारा क्रिएट करेंगे, क्या ये शोभा देता है? और अभी तक सरकार ने, अभी तक चीफ मिनिस्टर ने इस पर क्यों नहीं संज्ञान में लिया? इस पर हमारी डिमांड है सरकार से कि इसको फौरन संज्ञान मिले। और अगर कहीं माहौल खराब होता है मुल्क का तो उसके लिए पूरे तौर पर देश की और प्रदेश की हुकूमत जिम्मेदार होगी, और फिर उसके बाद मुल्क के जो माहौल खराब हो गए उनको उसके लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिल्कुल, आप देखिए देश के अंदर इस वक्त कोई विपक्ष है ही नहीं। पूरे देश में अगर कोई विपक्ष है तो वो छात्र हैं इस देश के। तो हम लोग बीइंग द स्टूडेंट लीडर ऑफ, तो लोग हमसे सवाल कर रहे हैं, पूरे मुल्क से हमारे पास फोन आ रहे हैं कि आप लोग इस पर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे को उठाया जाए जो कि मसला कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है, और अगर इस तरीके की वो डिमांड कर रहे हैं कि उसको पार्लियामेंट से पास करा लिया जाए, तो अभी तक ये 4.5 साल से कहाँ पर थे जब ये इनकी सरकार सेंटर में है, इनकी सरकार स्टेट में है, तो इस मुद्दे को उन्होंने अभी तक 4.5 साल से क्यों नहीं उठाया? ये 6 महीने पहले ही क्यों मुद्दा हमेशा उठाया जाता है, ये सिर्फ चुनाव से पहले उठाया जाता है। सिर्फ इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि 2019 का चुनाव इनके सामने है, वोटर्स को पोलराइज करना है। इनको किसी तरीके की कोई मोहब्बत राम मंदिर से नहीं है, और अगर होती तो ये मसला सबसे पहले पार्लियामेंट के अंदर टेबल किया जाता। और निर्मोही अखाड़ा जो कि इस राम मंदिर के लिए पहले से ही केस लड़ रहा है, ये लोग उसको सपोर्ट देने के बजाय ये अपनी तरह तरह की सियासत चमका रहे हैं, और बस सिर्फ और सिर्फ ये 2019 के चुनाव के लेके वोटर्स को पोलराइज किया जा रहा है, और इनका कोई और दूसरा मकसद मुझे नहीं नजर आता है। और मैं सरकार से इस तरीके दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरीके की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको या तो बैन कर दिए जाए, और अगर कोई भी वहाँ पे हादसा पेश आता है तो इसकी जिम्मेदार पूर्ण सरकार है, और पूरी की पूरी जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी। और इंशाल्लाह अगर कोई ऐसी हरकत हुई तो हम लोग इनको 2019 के चुनाव में दिखा देंगे कि हम लोग भी क्या। मेरा नाम हमजा सुफियान है, उपाध्यक्ष।